हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि एक जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। उससे पहले बता देता हूं कि दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जैसे भी नई वैकेंसी आती है आपको पता चलता रहे। ये जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें, उसके बाद में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त। तो दोस्तों, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो नवोदय विद्यालय समिति है, नवोदय विद्यालय, इसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी सारी वैकेंसीज है। इस वीडियो में मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, उसी से आपको पता चलेगा। और आपको जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म भरने से पहले एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसकी जो पूरी जानकारी होती है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी, उसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपका पैसा और समय दोनों वेस्ट जाएगा। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन अपलोड किया है वेबसाइट पर, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन जवाहर नवोदय विद्यालय एंड असिस्टेंट कमिश्नर, और यहाँ पे है असिस्टेंट की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं। ये जो NVS नवोदय विद्यालय है, इसका जो हेड क्वार्टर और रीजनल ऑफिस है, इन दोनों के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, ये है उसका नोटिफिकेशन, जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि NVS इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन सिटीजन रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर PGT असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर द ईयर 2019। ये वैकेंसी अभी अभी आई है और जो इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो अभी हुआ है, आप इसको जल्दी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल की पोस्टें दी हुई है ग्रुप ए के लिए, जनरल कैटेगरी की 12 पोस्ट है, OBC की 7 है, SC की 4 है, ST की 2, और टोटल 25 पोस्ट है प्रिंसिपल के लिए। तो ये तो थी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे रखी है इसमें, वो बाद में बताई जाएगी, पहले आप इसकी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 3 पोस्ट दे रखी है। इसके बाद है असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए, इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 2 पोस्टें दे रखी है। उसके बाद में आती है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी की पोस्ट, तो इसकी जो है टोटल 3 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, SC कैंडिडेट इस फार्म को ना भरें तो अच्छा रहेगा, ST के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद में है टीचर की पोस्ट है, जो PGT है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी के अंदर आते हैं, इनकी पोस्ट हैं। इसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। तो ये सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आपके पास, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसी अपने सामने वह है वो चेक जरूर कर लें, ऐसा ना हो कि आप फॉर्म अप्लाई करें और आपकी वैकेंसी इसके अंदर हो ही ना। सभी के अंदर दो दो चार चार पोस्टें दे ही हुई हैं यहाँ पे टीचर वाली पोस्ट के अंदर। इसके बाद में इसका आता है एज लिमिट का, और उससे पहले मैं बता देता हूँ इसका पे स्केल और एज लिमिट का दिया हुआ है प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर एज मांग रखी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री और एक्सपीरियंस मांग रखा है प्रिंसिपल वाली पोस्ट के अंदर। तो उसके बाद में असिस्टेंट की पोस्ट है, उसका जो 18 से 30 ईयर एज मांग रखी है। तो दोस्तों, आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है अपर एज लिमिट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 18 से 30, और इसके लिए डिग्री मांग रखी है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री विद ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम, आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और आपको पास डिग्री BA BCOM BSc एनी कुछ भी हो जो इसके इक्वल हो वो, तो आप इसका फार्म है जो कंप्यूटर ऑपरेटर का अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस भी दिया हुआ है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में इसका 5 ईयर का AC वालों के लिए, ST वालों के लिए छूट है उम्र में, OBC वालों के लिए 3 साल की एज लिमिट में, गवर्नमेंट रूल है उनके अनुसार। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है उन्होंने, ये एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, आपके नज़दीकी कोई सेंटर या कोई आप अपनी पसंद से चॉइस करना चाहते हैं तो इसमें चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल, क्लर्क और असिस्टेंट
तीनों चारों जो भी जितनी पोस्ट निकली हुई है सभी का, यानी ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इसके अंदर पूरी जानकारी दे रखी है उन्होंने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस तक। ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको www.nvsrect2019.org वेबसाइट है ओपन करनी है। इसके बाद में आपके पास एक वैलिड मेल आईडी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो, रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको 10वीं प्लस टू ग्रेजुएशन और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके इक्वल जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारी इसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ इस एप्लीकेशन फॉर्म की, ये है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट। रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 15 जनवरी 2019 को और जो इसका रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम तारीख है वो है 14 फरवरी 2019 और जो फीस डिपॉजिट करवाने का है वो 15 फरवरी 2019 तक है। फीस क्लोज 15 फरवरी 2019। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 10 मार्च 2019 और जो एग्ज़ाम की डेट है वो है लास्ट वीक ऑफ मार्च 2019। तो दोस्तों ये तो थी इसके बारे में पूरी जानकारी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। मैं बता देता हूँ आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा।